दिल्ली जाने से पहले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 24 घंटे के लिए नजरबंद कर दिया। तौकीर रजा समेत 4 लोगों को नजरबंद किया गया। अपनी मांगों के समर्थन में मौलाना तौकीर रजा आज बुधवार को बरेली से दिल्ली तक तिरंगा यात्रा निकालने वाले थे। यात्रा में देश भर से आए मुसलमानों के शामिल होने का दावा किया गया था। तौकीर रजा मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति को 21 मार्च को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन तौकीर रजा को उससे पहले ही नजरबंद कर दिया गया। डीएम के आदेश पर मंगलवार रात तौकीर रजा, मुनीर इदरीश, डॉक्टर नफीस और नदीम को उनके घर में 72 घंटे के लिए नजरबंद कर दिया गया। डीएम के आदेश पर उनके घर में बाहर फोर्स लगाई गई है। आपने पढ़ लिया, हमने भी पढ़ लिया, आप भी पढ़ लिया। अरे कहीं जांच में मना नहीं है, नीचे मेरी बैठक है ना, अपनी बैठक है। प्रेमिसेस परमेश्वर से तो पहले आपको बाहर हो, ये मेरे घर के अंदर क्यों बैठे हैं आप? सबसे बताइए आपको किसने घुसने की इजाजत दी, किस ऑर्डर में, वो दिखाइए उनको। घर के अंदर आप सर्विस के लिए तो आना ही पड़ेगा ना, नहीं तो बाहर है ये ना। आप एसडीएम, आप घर के अंदर, एसडीएम साहब खुद अपराध कर रहे हैं, अभी आप भी अपराध कर रहे हैं। आप किसी के घर में जबरदस्ती घुसे हुए हैं इस वक्त, धारा 341 है। कोई आपके पास कानूनी आदेश है घर में घुसने का, बता दीजिए मुझे। चलिए बताइए, बताइए कि वो डीएम साहब का आदेश है। डीएम साहब, आप वहां गई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप पढ़ के सुनाइए जरा, डीएम साहब का आदेश मुझे दीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देना मुझे जरा एक मिनट, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ना आदेश। आपके आपके कानून वही कर सकते हो ना आप, जो आपको कानून आदेश देता है। आप कानून के बाहर जाके कुछ कर सकते हो तो वो बताओ, नया संविधान बता दिया तो पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। आप न्यायाधीश साहब, आप जरा एक सुन लीजिए। हस्ताक्षरी को विभिन्न स्रोतों से संज्ञानित किया गया है कि मौलाना तौकीर रजा खान पुत्र स्वर्गीय रेहान रजा निवासी मोहल्ला सौदागरान बिहारीपुर थाना कोतवाली द्वारा विगत एक माह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से आज समाज में मौजूद गैर समाज का हम लोगों को निकल जाने दीजिए। अरे आप ही लोगों ने आए, एक मिनट भी आप नहीं, असल में दो लोग।